गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज वीडियो पार्ट 7 ऑफ क्लास 6 मैथ एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर. एक व्यापारी है जिसके पास जो है 78,592 रुपीज हैं. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. उसने जो है एक order दिया 40 radio set को खरीदने का, और हर एक each मतलब हर एक radio की जो price है वो है rupees 1200. means आपको 1200 करके ऐसे उसने 40 radio sets खरीदे. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस. तो जब इसने 40 रेडियो जब उसने परचेस कर लिए तो उसके बाद उसको कुछ पैसे चुकाने पड़े होंगे 40 रेडियोज़ के. तो वो 40 रेडियोज़ के पैसे चुकाने के बाद जो है उसके पास कितने पैसे बचते हैं ये आपको बताना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड बाई ए सिंपल एग्जाम्पल. सपोज दैट यू मानो कि आप किसी दुकान पर गए और आपने उस दुकान से जो है आपके पास 20 रुपीस हैं. आपके पास जो है टोटल 20 रुपीस हैं और आपने जो है वहाँ पर जा करके 5 रुपीस की जो है आपने पेन ख़रीदी, जिसकी एक पेन की प्राइस जो है वो 5 रुपीस है. अगर आपको अपने 3 पेन ख़रीदनी है तो इसका हम 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 15. अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने रुपये बचे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 20 रुपीज़ था, आपने क्या किया, पहले जो एक पेन की प्राइस थी 5 रुपीज़, उससे पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, 15 फाइंड हुआ. तो 15 रुपीज़ आप उस दुकान वाले को दे देंगे, शॉपकीपर को देंगे, और फिर आप देखेंगे, फिर वो आपको जो है 20 माइनस 15 जो भी बचेगा वो आपके पास प्राइस होगा. मीन्स आप क्या करेंगे, 20 रुपीज़ था और 15 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो आपका जो होगा आपके पास पैसे उतने बचेंगे. सेम वही हमें भी यहाँ करना है, तो लेट्स डू इट. नाउ वी विल स्टार्ट. सी हैड रुपीज 78,592 विथ हर. स्टार्टिंग में जो है उसके पास 78,592 रुपीस थे. शी पेड फॉर अ रेडियो सेट. एक रेडियो सेट की जो प्राइस है वो रुपीस 1200 है. तो अगर ऐसे 40 रेडियो सेट उसको खरीदने हों, अगर उसने ऐसे 40 रेडियो सेट खरीदे तो शी पेड 1200 इंटू 40 मीन्स 40 से उस वन रेडियो की प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके 48,000 मीन्स उसने 48,000 के जो है रेडियो सेट खरीदे टोटल. अब हमें क्या करना है, जो अमाउंट हमारे पास जो अमाउंट उसके पास पहले से था और जो उसने खर्चा किया, जो उसने परचेस करके उसको दुकान वाले को दे दिया, उसमें से हमें माइनस करना है. सो आफ्टर द परचेस सी विल हैव 78,592 माइनस 48,000 मीन्स जो उसके पास पैसे थे पहले 78,592 उसमें से हमने जो खर्च किए वो हम माइनस कर देंगे. तो उसके पास कुल जो है 30,592 रुपीस बचेंगे. सो योर आंसर विल बी 30,592 रुपीस. That's all from video part 7. Thank you.